सफारी की रोड प्रेजेंस देखो। ओह ये देखो, अब जल्दी हो गया ना। अब मैं फाइनल वाला बताऊंगा कि ये ओपन कैसे होता है। अल्टीमेट एसयूवी, बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी हैवी है, इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया। ये देखो सन कर्टेन भाई, आप इससे अपना लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो। ऐसा लग रहा है कि फ़ोन की स्क्रीन में देख रहे हैं, रियल में काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। ये देखिए सफारी का बैज, काफ़ी बड़ा अपडेट मिला है सफारी फेस लिफ्ट को। कनेक्टेड इसमें DRLs दिए गए हैं। अभी अपने साथ में है टाटा सफारी का फेसलिफ्ट और ये इसका डार्क एडिशन है। डार्क एडिशन में टाटा सफारी जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। वेरिएंट की अगर बात की जाए तो ये इसका एकम्प्लाइस्ड प्लस डार्क वेरिएंट है। इसकी एक्सोरूम स्टार्टिंग हो जाती है, डार्क वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, डार्क एडिशन की बात कर रहा हूँ, लगभग 20,70,000 रुपये से। और ये इसका टॉप एंड ऑटोमेटिक वेरिएंट है। आज की इस वीडियो में इसका क्विक वॉकराउंड करते हैं। वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST YouTube चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कलर की, मल्टीपल कलर्स में आती है। अभी अपने साथ में इसका ये डार्क एडिशन है। आइए सबसे पहले तो मैं आपको इसकी चाबी दिखाता हूँ। ये देखिए कंपनी इसके साथ में कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर करती है और इसमें कुछ भी अपडेट नहीं है, जैसी पुरानी आती थी वैसी ही है। टाटा का लोगो है। यहाँ पर 4 फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलैम्प एंड बूट को ओपन करने के लिए। आइए गाइस अब इसकी डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। इसकी लेंथ है 4.668 मीटर की, इसकी विड्थ है 1.922 मीटर की, हाइट है इसकी 1.79 मीटर की। सिटिंग कैपेसिटी इसमें 6 सीटर में भी आती है, 7 सीटर में भी आती है। इसका व्हील बेस है 2741 mm का और इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 205 mm का। आइए इसको 360 डिग्री कवर करते हैं, चारों तरफ से इसको देख लेते हैं एंड उसके बाद में मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाऊंगा। ये है सफारी की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल, आइए पास से दिखाता हूँ। सेंटर में टाटा का लोगो, उसके नीचे 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, फ्रंट कैमरा यहाँ पर प्लेस किया गया है। बड़ा अपडेट मिला है सफारी को, ये देखिए कनेक्टेड इसमें DRLs दिए गए हैं। ये देखिए ये फ्लोटिंग साइटन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, इनको बंद कर देंगे तो ये DRL का भी काम करते हैं। फ्रंट ग्रिल का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का है, ये देखिए प्योर ब्लैक है, काफ़ी अल्टीमेट लग रही है। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो काफ़ी बड़ा अपडेट मिला है, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप दे दिया गया है, फॉग लैम्प भी LED में है। ये देखिए फ्रंट ग्रिल, फ्रंट बम्पर, स्किड प्लेट, यहाँ पर ये देखिए अडास दिया गया है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, काफ़ी ज़बरदस्त। फ्रंट बोनट पर एजेस इसके लुक को और भी ज़्यादा मस्कुलर बना रहे हैं। फ्रंट विंडशील्ड पर रेन सेंसिंग वाइपर्स दिए गए हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पर ये सेंसर लगा हुआ है। साइड में ये देखिए हैशटैग डार्क का बैज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM दिया गया है विद साइट एंड इंडिकेटर, 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, तो एक कैमरा इधर प्लेस किया गया है और दूसरा कैमरा दूसरे ORVM पर। फेंडर पर भी एजेस मिलते हैं। बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की, फ्रंट में कंपनी ने इंडिपेंडेंट लोअर बेसबन MacPherson स्टड विद कॉइल स्प्रिंग एंटी रोल बार सस्पेंशन लगाकर इसमें दिए हैं। काफ़ी बड़ा अपडेट मिला है सफारी फेसलिफ्ट को, 19 इंचेस के नए वाले अलॉय व्हील आ गए हैं जिनका पैटर्न जो है कुछ इस तरीके का है। सेंटर में टाटा का लोगो दिया गया है। टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, उससे पहले मैं आपको टायर कंपनी दिखा देता हूँ। MRF कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं एंड टायर प्रोफाइल है 245/55R19। फ्रंट एंड रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। डोर पर यहाँ पर देखिए सफारी का बैज, डोर हैंडल भी ब्लैक में मिलता है, रिक्वेस्ट सेंसर, कीलेस एंट्री, डोर क्लैडिंग, यहाँ पर ये एजेस देखिए सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स 50 लाख कार्स 1998-2023। रूफ रेल्स मिल जाती है, ये देखिए कुछ इस तरीके के पैटर्न में, इसमें पैनारोमिक सनरूफ ऑफर की गई है, शार्क फिन एंटीना। राइट साइड में फ्यूल लिड दिया गया है और ये देखिए डीजल 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इस तरीके से इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की, रियर में कंपनी ने सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम विथ पेन हार्ड रॉड कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन लगाकर दिए हैं। रियर में भी सेम प्रोफाइल, 19 इंचेस के नए वाले अलॉय व्हील एंड
सेम टायर MRF वंडरर सीरीज़ के हैं, एंड प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 245/55R19। ग्लास का पैटर्न ये देखिए कुछ इस तरीके का है। ये है इसकी प्रॉपर रियर प्रोफाइल, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प स्पॉइलर, क्योंकि इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बना रहा है। रियर विंडशील्ड पर ये देखिए डिफॉगर वाइपर दिया गया है, एंड यहाँ पर ये देखिए लाइन और इधर लाइन की फैमिली है, काफ़ी अल्टीमेट लुक। कनेक्टेड इसमें टेल लाइट दी गई है जो कि इसके लुक को पहले से और भी ज़्यादा इन्हेंस कर रही है। साइड टर्न इंडिकेटर ये सब कुछ इसमें अब LED में आने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखिए रिवर्स लाइट जो है वो हैलोजन बल्ब के साथ में ही है। सेंटर में टाटा का लोगो, उसके नीचे यहाँ पर एक कैमरा प्लेस किया गया है, सफारी की ब्रांडिंग। कैमरा चेक करेंगे, क्वालिटी देखेंगे कि इसकी कैसी है। रियर बम्पर, रियर स्किड प्लेट, यहाँ पर ये देखिए दो पार्किंग सेंसर पीछे दिए गए हैं। तो भाई फाइनली मैंने आपको इसका एक्सटीरियर जो है काफ़ी अच्छी तरीके से दिखा दिया है, सब कुछ दिखा दिया है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। आइए अंदर चलते हैं, इसका इंटीरियर देखते हैं। कीलेस एंट्री मिल जाती है। ओ माय गॉड, डार्क एडिशन में ये कार जो है काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट लग रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखिए RVM कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर ये देखिए ग्रैब हैंडल, यहाँ पर ये सॉफ्ट टच दिया गया है, इधर ये सॉफ्ट टच दिया गया है, क्रोम इधर दिया गया है, यहाँ पर सभी फंक्शनल बटन दिए गए हैं, यहाँ पर ये पियानो ब्लैक दिया गया है, बोतल होल्डर कुछ इतना स्पेस यहाँ पर कुछ रखने के लिए। नीचे ये देखो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लाइट दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर ये देखिए एक स्पीकर इधर दिया गया है। ड्राइवर साइड से मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ जो कि काफ़ी ज़बरदस्त ये लग रहा है। आइए अंदर बैठता हूँ मैं। सीट जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, एंड इसी के साथ साथ ये देखिए इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स दी गई है विथ मेमोरी फंक्शन 1, 2, 3, ये देखो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं, 3 यहाँ पर फ्लो मिल जाते हैं। मल्टी वे एडजस्टेबल सीट्स हैं, काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें वेलकम फंक्शन भी मिलता है जो कि टाटा में पहले भी मिलता था, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर ये देखिए स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, AC वेंट इधर दिया गया है, यहाँ पर ये देखिए ट्विटर इधर दिया गया है JBL का, यहाँ पर ये पियानो ब्लैक, इधर नीचे की तरफ ये सॉफ्ट टच दिया गया है, और नीचे यहाँ पर बोनट को ओपन करने के लिए दो पैडल दिए गए हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, डेड पैडल भी मिलता है। स्टेयरिंग व्हील की अगर बात की जाए तो ये देखिए फ्यूचरिस्टिक हो गया है, जो कि नेक्सॉन में अपडेट किया था वही अब सफारी एंड हैरियर में भी आ गया है। जैसे ही इग्निशन को ऑन करते हैं ये देखिए टाटा का लोगो आ जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है, इंफोटेनमेंट सिस्टम की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील में लेफ्ट साइड में मल्टीमीडिया कंट्रोल, राइट साइड में यहाँ पर क्रूज कंट्रोल सिस्टम मिलता है, इधर ये सॉफ्ट टच दिया गया है, इसमें पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, ये देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये वाइपर कंट्रोल लीवर, राइट साइड में यहाँ पर ये लाइट कंट्रोल लीवर, डैशबोर्ड कुछ इस तरीके के पैटर्न में है, ये देखिए एक स्पीकर इधर दिया गया है। आइए अब मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ, ये देखिए को ड्राइवर साइड पैटर्न जो है सेम ही है। यहाँ पर ये देखो ग्रैब हैंडल, सनशेड, वैनिटी मिरर विथ लाइट, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर ये देखो सभी कंट्रोल सिस्टम, सनरूफ दी गई है इसमें, पैनारोमिक सनरूफ है। एंड उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये देखिए एम्बिएंट लाइट भी इसमें दी गई है, ये देखो सनरूफ पहले मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। वन टच में कर्टेन ओपन हो जाता है, एंड AC के साथ साथ ये देखो सनरूफ भी इसकी ओपन हो जाती है, काफ़ी स्पेस यहाँ पर मिल जाता है, काफ़ी अल्टीमेट। एंड रियर पैसेंजर के तो भाई मजे ही मजे हैं, वन टच में बंद भी हो जाएगी और दोनों चीज़ें एक साथ बंद हो रही हैं, काफ़ी अच्छी बात है। दो यहाँ पर बटन दिए गए हैं कॉल के लिए, लाइट इसमें LED में दी गई है। यहाँ पर ये देखिए पैसेंजर एयरबैग के लिए, इसमें ऑटो डिमिंग IRVM दिया गया है, ड्राइवर साइड में सनसेट दिया गया है, कोई भी टिकट होल्डर एंड यहाँ पर मिरर नहीं मिलता है। सेंटर में ये देखिए अब 12 इंचेस का इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, काफ़ी बड़ा लग रहा है देखने में। 12 इंचेस वैसे कम लगे लेकिन रियल में काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें दिया गया है, एंड इसमें अमेजोन एलेक्सा का सपोर्ट दिया गया है, JBL मोड्स मिल जाते हैं। ये देखिए टच रिस्पॉन्स की अगर बात की जाए तो मुझे इसका टच रिस्पॉन्स ठीक लग रहा है, इसके जो कंट्रास्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं।
एंड इसकी प्रोसेसिंग भी काफ़ी सही है। लैग देखने को मुझे नहीं मिला इसमें, ये देखिएगा फ़ोन सेटिंग वगैरह। यहाँ नीचे की तरफ दो एसी वेंट मिल जाते हैं एंड यहाँ पर ये देखिए सभी फीचर बटन मिल जाते हैं जो कि अभी ये टच में है, काफ़ी अच्छी बात है। ये देखिएगा एंड एक चीज़ इसकी काफ़ी सही है, हज़ार्ड लाइट का जो बटन इसमें दिया गया है यहाँ पर थोड़ा सा उभरा हुआ है, जिसकी वजह से क्या है आइडिया लग जाएगा आराम से। और बाकी के बटन को देखने के लिए भाई आँखों से ही देखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर ये देखिए 360 डिग्री का यहाँ पर दिया गया है बटन, मैं यहाँ पर ये दबाता हूँ, ये देखिए टच किया भाई। इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, फ्रंट का कैमरा देखो ऐसा लग रहा है कि फ़ोन की स्क्रीन में देख रहे हैं, जबकि ये टाटा की स्क्रीन है भाई। रियर का देख लेते हैं, ये देखो एकदम क्लियर है। साइड में देखो, राइट साइड, लेफ्ट साइड देखो भाई, इसका 360 डिग्री कैमरा जो है काफ़ी सही है। ये देखो एंगल देख सकते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट, ये देखो इधर, ये देखो इधर, ये फ्रंट वाला राइट साइड में, लेफ्ट वाला गजब, ये देख लो ये फ्रंट वाला है, ये रियर भाई, काफी इंप्रेस किया इसके कैमरे ने। यहाँ पर एसी कंट्रोल सिस्टम पूरा, ये पूरा पूरा सेक्शन जो है पियानो ब्लैक में मिलता है, एमिड लाइट इसमें दी गई है, ऊपर की तरफ क्रोम है। यहाँ पर नीचे की तरफ एक यूएसबी ए पोर्ट दिया गया है एंड 45 वॉट का टाइप सी पोर्ट दिया गया है भाई, आप इससे अपना लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर नीचे की तरफ आई थिंक इसमें वायरलेस पैड दिया गया है चार्जिंग के लिए, जी हाँ वायरलेस चार्जिंग सिस्टम भी है इसमें। ये यहाँ पर ये देखिए एडिशनल पार्ट लगा कर दिया है एंड यहाँ पर ये ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, रफ रोड मोड, सिटी, वेट मोड, रफ रोड, तीन मोड्स दिए गए हैं, वेट मोड, रफ रोड मोड, ये देखिए सिटी ड्राइव मोड। एंड यहाँ पर ये देखिए गियर लीवर जो है अब कुछ इस तरीके का कर दिया है, लग ही नहीं रहा है कि भाई टाटा सफारी में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि रेंज रोवर में बैठ गए या फिर किसी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में आकर बैठे हैं, कितना ज़्यादा प्रीमियम इसको कर दिया है। यहाँ पर ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, यहाँ पर ये ऑटो होल्ड, पूरा ये क्रोम में साइड से कवर किया गया है, पियानो ब्लैक। यहाँ पर ये देखिए टू कप होल्डर्स दिए गए हैं, ये रहा इसका आर्मरेस्ट, ये देखिए इधर सॉफ्ट टच दिया गया है, यहाँ से इसको ओपन करते हैं एंड इधर ये 12 वोल्ट का एक पोर्ट, एक यहाँ पर यूएसबी ए पोर्ट और दूसरा यहाँ पर एक यूएसबी सी पोर्ट, भाई इसमें पोर्ट्स की कोई भी कमी नहीं है। फ्रंट रो की जो सीट है वो वेंटिलेटेड मिलती हैं, एडजस्टेबल इसमें सीट बेल्ट मिलती हैं एंड ये देखिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, इधर भी हैशटैग डार्क। तो भाई फाइनली मैंने आपको इसकी फर्स्ट रो दिखा दी है, जो जो इसमें है सब कुछ आपको बता दिया है, आइए चलते हैं इसकी सेकंड रो में, देखते हैं वहाँ क्या कुछ मिलता है और कितना स्पेस इसमें दिया गया है। सबसे पहले तो इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया, ये देखो सन कर्टेन इसमें कंपनी फिटेड दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है। इधर ये ग्रैब हैंडल, यहाँ पर ये देखिए ट्विटर, JBL क्रोम में, इधर ये विंडो नीचे करने के लिए, अप करने के लिए, इधर ये एडिशनल स्पेस दिया गया है नीचे, यहाँ पर बोतल होल्डर, एडिशनल स्पेस, यहाँ पर नीचे की तरफ एक स्पीकर। आइए अंदर बैठता हूँ। अरे भाई सफारी की एक चीज़ सबसे अलग है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर वाली जो सीट है, जब उधर बैठते हैं तो थोड़ा सा नीचे फील करते हैं और जब इधर सेकंड रो में आ जाते हैं तो थोड़ा ऊंचा फील करते हैं। लेगरूम की अगर बात की जाए तो जो ड्राइवर वाली सीट है पूरी की पूरी पीछे है एंड देखिए काफ़ी ज़बरदस्त इसमें लेगरूम मिलता है। हेडरूम की अगर बात की जाए तो ये भी काफ़ी सही है, मेरी हाइट 5'6" है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं इस साइड में बैठता हूँ। अरे भाई कंफर्ट की अगर बात की जाए तो ये जो साइड वाली सीट है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, इधर ये ग्रैब हैंडल, इधर ये देखिए कोट होक, LED लाइट दी गई है इसमें, काफ़ी अच्छी बात है। पैनारोमिक सनरूफ, जो कि पीछे में बैठकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है।
यहाँ पर ये थोड़ा सा हम्प है, इधर ये देखिए एक USB A पोर्ट है, एक USB C पोर्ट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड इधर ये देखो फोन रखने के लिए कुछ इतना स्पेस मिलता है। एंड जो इसकी को ड्राइवर वाली सीट है ना, वो बॉस वाली सीट है। ये देखो इस सीट को इधर वाला पैसेंजर भी एक्सेस कर सकता है, इधर वाला भी पैसेंजर एक्सेस कर सकता है, और ड्राइवर भी एक्सेस कर सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस फीचर को बॉस फीचर बोलते हैं। इसमें आर्मरेस्ट दिया गया है पीछे की तरफ, एंड 2 कप होल्डर्स इसमें दिए गए हैं। भाई यहाँ पर बैठकर तो कंफर्टेबल फील हो रहा है, क्या सेंटर में बैठकर कंफर्टेबल फील होगा वो भी देखेंगे। एंड उससे पहले मैं आपको एक अपडेट दिखा देता हूँ, हेडरेस्ट तो एडजस्टेबल मिलता ही, उसी के साथ साथ ये देखिए एयरलाइंस वाली इसमें हेडरेस्ट दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी प्रीमियम है। सेंटर में बैठकर देखता हूँ, सेंटर में बैठ के कंफर्ट तो मैं फील कर रहा हूँ, लेकिन जिसमें आर्मरेस्ट होता है तो जिस लेवल का होता है उसी लेवल का ही इसमें भी मिलता है। एंड यहाँ पर भी अगेन सब कुछ सेम ही है, ग्रैब हैंडल, लाइट एंड कोट हुक। तो भाई मैंने आपको इसकी सेकंड रो भी दिखा दी है, लेकिन एक चीज़ तो मैंने आपको दिखाई नहीं, एसी इसमें पिलर्स पर मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जबकि स्कॉर्पियो N में सेंटर में मिलते हैं, तो वहाँ पर जो पैसेंजर ऐसे बैठा होता है तो उसके पैरों में हवा लगती है, यहाँ से क्या है साइड में लगती है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसका फीचर जो है काफ़ी अच्छा लगा है। आइए बाहर निकलता हूँ मैं और इसका टेलगेट ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि इसमें बूट स्पेस कितना है। अच्छा, टेलगेट ओपन करने के लिए इसमें जेस्चर भी दिया गया है, कैसे काम करिए। ये देखिए मैंने खोल लिया, जेस्चर से ही ओपन किया आपके सामने, है ना, काफ़ी ज़बरदस्त। यहाँ पर दो सीट्स दी गई हैं, पहले तो मैं इनको पूरा का पूरा अनफोल्ड ही कर लेता हूँ, उसके बाद फोल्ड करूँगा। ये देखो कुछ इतना स्पेस इसमें मिलता है, ये देखो ज़्यादा नहीं है भाई, बहुत कम है, ठीक है। अब इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ, फिर देखता हूँ कितना स्पेस है। अरे फोल्ड करने के लिए ये है, किसी में कुछ सिस्टम होता है, किसी में कुछ, महिंद्रा में ये खींचना पड़ता है। फोल्ड करने के बाद भाई इसमें काफ़ी ज़बरदस्त स्पेस जो है बन जाता है। यहाँ पर ये देखो लेफ्ट साइड में 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर का USB A पोर्ट एंड USB C पोर्ट मिलता है। एंड यहाँ पर ये देखो इधर ये कप होल्डर दिया गया है, इधर ये AC वेंट दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। थर्ड रो के लिए यहाँ पर ये लाइट दी गई है, एंड यहाँ पर ये देखो AC को कंट्रोल करने के लिए नॉब मिल जाता है, इधर ये कप होल्डर वगैरह, इधर ये स्पेस, ये देखिए उधर भी AC वेंट दिया गया है। एंड यहाँ पर ये देखिए JBL का स्पीकर इधर दिया गया है, यहाँ पर ये देखो एक लाइट इधर दी गई है, यही लाइट हैलोजन बल्ब में दी है, पता नहीं क्यों। सीट बेल्ट इधर भी मिलती है दोनों साइड में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सफारी इधर, एंड इसके नीचे इधर ये टूल किट, ये देखो इसमें एयर प्रेशर पंप भी मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, बाहर से नहीं खरीदना भाई आपको। अच्छा, बंद करने के लिए सिंपली यहाँ पर एक बटन दिया गया है, इसको एक बार मैं प्रेस करता हूँ और ये देखो ऑटोमेटिकली बंद हो गया। अगेन मैं ट्राई करता हूँ इसको जेस्चर से ओपन करने के लिए, कैसे ओपन हुआ था भाई, किधर लगा है इसका सेंसर, अरे किधर लगा है सेंसर यार, ओपन हो जा, ओपन ही नहीं हो रहा, हो गया भाई ये तो हिसाब किताब गड़बड़ है, मैं फिर से ट्राई करूंगा एक बार और। आ गया बटन, ये रहा। मैं थोड़ा सा गैस कर पाया हूँ कि मुझे एक्चुअल में कहाँ पर किक करना है, कहाँ पर कमांड देना है, इधर, ओह ये देखो अब जल्दी हो गया ना। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है, जी हाँ इसके इंजन की। इसके बोनट को मैं ओपन कर लेता हूँ, कहाँ से होगा, यहाँ से। ओ भाई बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी हैवी है। ये रहा इसका 2 लीटर का क्रायोटेक 170
टाटा का डीजल इंजन। इसके इंजन की डिस्प्लेसमेंट है 1956 cc, इसकी मैक्सिमम पावर है 167.62 bhp की 3750 rpm पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 350 Nm का 1750 rpm पर। BS6 फेज 2 वाला 4 सिलेंडर 4 वाल्व इंजन इसमें टर्बोचार्ज मिलता है। आइए बात कर लेते हैं इस कार की प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। गाइस, टाटा कंपनी अपनी इस नई कार पर 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 1,00,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई डीजल कार है, लगभग 15-17 के आसपास निकाल कर दे देगी। फिर डिपेंड करता है रोड कंडीशन, कार कंडीशन और ड्राइविंग कंडीशन पर भी। प्राइस की अगर बात की जाए तो इसमें मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं। ये डार्क एडिशन का सबसे टॉप एंड वेरिएंट है। डार्क एडिशन में इसकी एक्सरूम प्राइस स्टार्ट होती है लगभग 20,70,000 के आसपास से। इसके टॉप एंड वेरिएंट की एक्सरूम प्राइस है डार्क एडिशन की 27,25,000, ठीक है, और ऑन रोड आते आते ये लगभग पड़ेगी आपको 32,25,000 के आसपास। प्राइस का आपके रफ आइडिया माने प्लस माइनस आप रुपये लेकर चल सकते हो, क्योंकि हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है। प्रोज एंड कॉन की अगर बात की जाए तो भाई जो भी कंपनी ने इसमें अपडेट किया है सब कुछ इसके प्रोज में है। कॉन की अगर बात की जाए, मुझे इसमें ऐसे कुछ भी खास कॉन नहीं लग रहे हैं, बस कुछ चीज़ें और अपडेट होती तो और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता था, जैसे कि रियर व्हील, ठीक है, पेट्रोल वेरिएंट और यही दो चीज़ें। वैसे एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, सफारी का पेट्रोल वेरिएंट जो है बहुत ही जल्द आने वाला है, वीडियो जो है काफ़ी जल्दी मिलेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, इस कार की मैं ड्राइव भी करने वाला हूँ, इसके साथ में जो भी मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। लगभग मैं 1,000 किलोमीटर का ड्राइविंग टेस्ट करता हूँ, रियल जो एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, वो वीडियो भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई टेक्निकल एसएसटी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई, इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।